दुनिया भर में तबाही मचाने वाली महामारी कोरोना ने अब भारत में भी अपने पैर पसार लिए हैं। लगातार बढ़ते हुए मामलों की वजह से देश में 21 दिनों का लॉकडाउन पहले से ही लागू है, लेकिन कोरोना के असर को देखते हुए उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के सरकारों ने अपने राज्यों के कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया है, यानी यहाँ अब सब कुछ पूरी तरह से बंद होगा। यूपी में 30 अप्रैल तक हॉटस्पॉट इलाकों को सील करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिया है। लॉकडाउन और सील में क्या अंतर है, सील किए गए इलाकों में क्या कर पाएंगे और क्या नहीं, डालिए एक नजर। उत्तर प्रदेश में सीलिंग के क्या नियम होंगे? राज्य के 15 जिलों में चिन्हित किए गए हॉटस्पॉट में आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगेगी, यानी अब तक लॉकडाउन के दौरान जो कुछ छूट मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। इन हॉटस्पॉट में लगातार पुलिस गश्त करती रहेगी, अगर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सील किए गए इलाकों को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा, इसके लिए फायर सर्विस की मदद ली जा रही है। चिन्हित स्थानों पर सिर्फ पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी और सफाईकर्मी ही आ जा सकेंगे, बाकी किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। बैंक, राशन की दुकानें बंद रहेंगी, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान कुछ पास दिए गए थे वो भी पास निरस्त किए जाएंगे। सील इलाकों में सिर्फ जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस को एंट्री मिल सकती है। हॉटस्पॉट में मीडिया को कवरेज करने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन अगर इन इलाकों में कोई मीडिया कर्मी रहता है तो वह दफ्तर जा पाएगा। प्रशासन की तरफ से होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है, ऐसे में अगर हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र में किसी को कुछ जरूरत है तो वह प्रशासन से संपर्क कर सकता है। इसके लिए 1800-419-2211 पर संपर्क किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसे मास्क लगाना या चेहरे को ढकना जरूरी होगा, ऐसा न करने वालों पर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है।